दुनिया विविधताओं से भरी पड़ी है। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसान हमारे बीच पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तो सामान्य होते हैं जिनके बारे में सभी को पता है, लेकिन कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे किसी खास क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए उनके बारे में सभी लोगों को पता नहीं होता है। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 7 अनोखे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं और लास्ट में हम आपको मछलियों की हीरोइन कहे जाने वाली रेड लिप्ड बैटफिश के बारे में भी बताएंगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग जानवर हैं जिन्हें देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टोव पाइप स्पंज। इनका आकार ट्यूब जैसा होता है जिसकी लंबाई 5 फीट और मोटाई 3 इंच तक होती है। ये करीब 100 सालों तक जीता है और जब तक मौत न हो जाए बढ़ता ही रहता है। ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बड़ी संख्या में पाया जाता है। ये कुछ सेकंड्स में कई लीटर पानी को फिल्टर कर सकता है। नंबर 2, चूहे जैसे दिखने वाला हिरण। ये जानवर इंडोनेशिया, बर्मा, ब्रूनी, कंबोडिया, चीन, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। खुरों वाले जानवर में ये सबसे छोटा आकार का जानवर है जिसकी लंबाई करीब 10 इंच होती है और वजन 2 किलोग्राम होता है। इनको बहुत ही चालाक भी माना जाता है। नंबर 3, ग्लेउकस अटलांटिकस। इस जीव को नीले ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव समुद्र के गर्म इलाके में देखा जाता है। इसके पेट में गैस के भरे होने की वजह से यह सतह पर ही तैरता दिख जाता है। यह इतना छोटा जीव होता है कि इसे हम अपने हाथ की हथेली पर भी रख सकते हैं। नंबर 4, झालर जैसे गले वाली छिपकली। ये एक तरह का लिजार्ड है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनिया में पाई जाती है। इसकी गर्दन झालर जैसी होती है। अगर रियलिटी में ड्रैगन्स मौजूद होते तो शायद बिल्कुल इसी के जैसे दिखाई देते। जब शिकार को ये छिपकली देखती है तो अपने काले पंजों पर खड़ी होकर अपने झालरों को फैला देती है और उससे फुंकार मारती है, जिसे सुनकर ही शिकार डर जाते हैं और इसकी जान बच जाती है। नंबर 5, स्पाइडर क्रैब। स्पाइडर क्रैब के पैर की लंबाई बहुत ही ज्यादा होती है। ये किसी मकड़ी की तरह दिखते हैं, इसलिए इनका नाम स्पाइडर क्रैब रखा गया है। ये बहुत ही आक्रामक होते हैं। अपने पंजों से ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने बेजोड़ शरीर के बाद भी इन्हें शिकार होने का डर बना रहता है, इसलिए ये खुद को समंदर में छुपाए रखते हैं। कहते हैं कि ये 100 साल तक जिंदा भी रह सकते हैं। नंबर 6, ब्लॉबफिश। बड़ी अजीब सी दिखने वाली ब्लॉबफिश के शरीर का मांस बहुत ही कम घनत्व वाला होता है। इस कारण इसके खाल झुकी झुकी सी लगती है। ये समुद्र तल में बहुत नीचे तक रहती है और जमीन के ऊपर तैरती रहती है। क्योंकि यह अपने शरीर का ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकती, इसलिए शिकार करना इसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये अपना मुंह खोलकर तैरती रहती है और जो भी कोई खाने लायक चीज अंदर आ जाए उसे खा लेती है। नंबर 7, स्टार नोज मोल। स्टार नोज मोल को कोई भी एक बार में देखते ही पहचान सकता है। इसके मुंह पर बनी अजीब तरह की नाक किसी सितारे की तरह दिखाई देती है। ये नाक कोई आम नाक नहीं है। ये साथ ही साथ इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल पार्ट है। इसकी ये नाक इसे बहुत ही कम ऑक्सीजन वाली जगह पर भी जिंदा रखती है, इसलिए ये जमीन के काफी अंदर तक घुसकर रह सकते हैं। यही नहीं, ये नाक से छूकर पता लगा लेती हैं कि सामने पड़ी चीज खाने लायक है या नहीं। चलिए अब आपको लास्ट में बता देते हैं कि रेड लिप बैटफिश क्या होती है। रेड लिप बैटफिश को मछलियों की हीरोइन कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके चमकते लाल होठ दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। विशेषज्ञों को अभी तक इनके लाल होठों के पीछे का राज पता नहीं चल पाया है, पर अटकलें ऐसी लगाई जाती हैं कि ये होठों से अपने साथी को आकर्षित करती हैं। ये मछली शायद इकलौती ऐसी मछली होगी जिसे तैरना नहीं आता है। इसकी लंबाई अधिकतर 40 सेंटीमीटर तक ही पहुंच पाती है। अगर हमारी आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए।